राहुल गांधी आज फिर से मंदिर चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश की नेशनल मीडिया कह रही है, जो टीवी पर खबरें चलाती है। ये उनके लिए खबर है कि राहुल गांधी फिर से मंदिर चले गए। मैं अपने देश की मीडिया से और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस तरह की खबरें देखनी चाहिए? भाई, राहुल गांधी मंदिर चले गए तो क्या हो गया? राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी राष्ट्रीय नेता है, दोनों ही मंदिर भी जाएंगे, वक्त पड़ने पर मस्जिद भी जाएंगे, अगर वक्त मिला तो गुरुद्वारा भी जाएंगे और चर्च भी जाएंगे। इसमें कोई हैरानी की बात कैसे हो सकती है? लेकिन हमारे देश का मीडिया इस बात पर बहस भी करवाने से नहीं चूकता। अब आप शाम को 5:30 बजे टीवी चलाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कम से कम 3-4 चैनल ऐसे होंगे जो इसी बात पर बहस चला रहे होंगे, क्या राहुल गांधी हिंदू बन चुके हैं, क्या राहुल गांधी झूठे हिंदू हैं, क्या राहुल गांधी सच्चे हिंदू हैं, क्या राहुल गांधी ये हैं, क्या राहुल गांधी वो हैं। कोई कह रहा होगा कि राहुल गांधी क्या चुनाव के लिए मंदिर गए, कोई कहेगा राहुल गांधी मंदिर इसलिए गए उसलिए गए। ये दिखाता है कि मीडिया के पास खबरें नहीं बची, उनको हमारे देश में भूखे बच्चे नहीं दिखते, उनको हमारे देश में कहीं भी भुखमरी नहीं दिखती, उनको हमारे देश की गरीबी नहीं दिखती। उनको दिखते हैं तो राहुल गांधी मंदिर चले गए, उनको दिखते हैं तो राहुल गांधी उस वाली मस्जिद चले गए, उनको दिखते हैं तो मोदी जी आज मंदिर गए हैं, मोदी जी आज मस्जिद गए हैं। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो मीडिया के लिए खबर है, और ऐसा लगता है हमारा टीवी वाला मीडिया इन खबरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। हमें उम्मीद है एक दिन मीडिया समझे कि देश के राष्ट्रीय मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है और वो उन जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करे, इस बात पर ध्यान न दे कि कौन सा नेता कौन से मंदिर जा रहा है, कौन से मस्जिद जा रहा है। नेता तो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, जहाँ से उनको वोट बैंक का फ़ायदा होगा वो तो वहाँ पर जाएंगे ही, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी नेता हो, किसी भी मीडिया पर वो रुकेंगे नहीं और मीडिया के सवाल उठाने से उन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। राहुल गांधी हिंदू हों या मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, वो नेता हैं और नेता अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी जाते हैं, ये एक हकीकत है, और मीडिया फिर भी इस बात को खबर बनाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपसे लेता हूँ यहीं पर विदा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।